भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS टीवी। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। भंडारा, पिता पुत्र ने नदी में छलांग लगाई। इसमें लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी में डूबने से बच्चे के पिता की जान चली गई। अरविंद हरिदास राउत, मृतक की पहचान राजेंद्र वाट भंडारा के रूप में हुई है। अकोला बालासपुर में दहेज के पैसे के लिए एक विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाहित महिला रोशनी अतुल बुंद, उम्र 27 की, शादी पिछले साल अतुल बुंद से हुई थी। बुलढाणा समृद्धि महामार्ग पर हादसों का दौरा जारी है। गुरुवार दोपहर को फिर एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसा चैनल क्रमांक 274 के पास हुआ। कार का टायर फटने के कारण यह हादसा हुआ है। यवतमाल जिले के पुसद तहसील में गुरुवार दोपहर कारला रोड पर एक निर्माणाधीन स्लैब अचानक ढह गया। इस हादसे में 6 से 7 मजदूर घायल हो गए और 2 मजदूर गंभीर बताए जा रहे हैं। धनतेरस की पूर्व संध्या पर बुधवार की तुलना में गुरुवार को 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत में 100 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 800 रुपए की बढ़ोतरी हुई। कुछ दिन पहले सोने की कीमत 62,400 रुपए तक की गिर गई थी और लोग सोना खरीदने के लिए सर्राफा दुकान पर उमड़ पड़े। मराठा समाज के आरक्षण के लिए मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन पर नेता प्रतिपक्ष विजय विट्टेवार ने जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन और मराठा समाज को कुणबी में शामिल करने की मांग से मराठा समाज के युवाओं को कोई विशेष फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा जरूर उठाया जाएगा। मुंबई में गुरुवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार ने टोल प्लाजा पर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसा इतना बड़ा था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना तब हुआ जब कार वर्ली से बांद्रा की ओर जा रही थी। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई के प्रदूषण को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की कमी है, ऐसे में सड़कों पर पानी डालकर प्रदूषण को नियंत्रित करना हास्यास्पद है। साथ ही सड़कों के निर्माण का टेंडर कैंसिल किए जाने पर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन के 13 साल पुराने मामले में ठाकरे के खिलाफ दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसे राजनीतिक तौर पर ठाकरे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।